नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हर एक साधक में ये एक सवाल होता है कि अगर मैंने किसी साधना को किया है तो वो साधना मेरी सफल हुई है कि नहीं हुई है। तो उसका पैमाना दो होता है, चाहे तो प्रत्यक्षीकरण हो जाए या उसका प्रयोग हो जाए। कभी भी गुरु किसी साधना का प्रयोग देने से शिष्यों को बचता है, क्योंकि प्रयोग जो होता है वो मरण मोहन उच्चाटन वशीकरण जैसे कर्मों से होता है। आप इनमें से जब भी कोई कर्म करते हैं तो वो आपके कर्मों पर भी उसका एक इफेक्ट होता है, और जब वो आपके कर्मों पर इफेक्ट करता है तो उस कर्म को काटने का काम गुरु का होता है, और उसका एक अंश जो है वो गुरु पर भी आता है। लेकिन किसी मंत्र को टेस्ट एंड ट्राई करना भी ज़रूरी होता है, और कभी कभी एक साधक को चाहिए भी कि वो समझे कि अगर वो साधना कर रहा है तो वो चलती कैसे। तो आज जिस साधना के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो माँ भगवती देवी काली की है। माँ भगवती देवी काली का बीजाक्षर तंत्र क्षेत्र में सबसे मजबूत बीजाक्षर माना जाता है, भैरव महाराज की तरह शक्ति बीज में। और इनका बीज जो होता है, सिर्फ बीज मंत्र के प्रयोग से मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण जैसे अविष्ट कर्म आप कर सकते हैं। देखो, जब हम सुनते हैं तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि आज हम एक अक्षरी बीज की साधना कर रहे हैं, आज हम दो अक्षरी बीज की साधना कर रहे हैं। लेकिन जब हम बीज अक्षर की साधना करते हैं तो वो सिर्फ बीज अक्षर नहीं होते, वो बीज अक्षर अलग अलग संख्या में जब आप जाप करते हैं तो उसका अलग अलग फल होता है। क्या होता है बीज अक्षर? मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा मस्तिष्क है उसको डीकोड करने का एक माध्यम है। तो जब भी हम बीज अक्षर का जाप करते हैं तो हमारे ब्रेन पे वो हिट करता है, और वो जो वाइब्रेशन होती है, वो जो ऊर्जा होती है, उससे कुछ ना कुछ शक्ति हमारी खुलती हैं, और फिर हम कुछ ना कुछ एनर्जी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जैसे काली माँ का, काली माँ का क्या बीज अक्षर है? तो क्रीम है बीज अक्षर, ठीक है। इस बीज अक्षर से मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आप सभी कर सकते हैं। जब आप एक अक्षरी क्रीम का बीज करते हैं ना, माँ भगवती देवी काली का, तो इसका अर्थ है कि आप चिंतामणि देवी का बीज अक्षर का जाप कर रहे हैं। वो आपका सारे तरीके का जो चिंता है उसका हरण कर लेती है। चिंतामणि बीज क्रीम होता है। जब आप क्रीम क्रीम का जाप करते हैं तो ये तांत्रिक बीज कहलाता है। मतलब अगर आपको तांत्रिक शक्तियों के लिए साधना करनी है तो माँ भगवती देवी काली का दो अक्षरी मतलब क्रिम क्रिम मंत्र का हम लोग जाप करते हैं, ठीक है। अगर हम तीन अक्षर का जाप कर रहे हैं तो क्या हुआ? तो तीन अक्षर का जाप कभी अकेले नहीं होता है। तीन अक्षर का जब भी जाप होगा तो मूल बीज मंत्र के आगे या पीछे होगा। अगर किसी मंत्र को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं काली की, तो उस मंत्र के पहले और अंत में क्रिम लगाने से उस मंत्र का पावर और संख्या बढ़ जाता है। मतलब एक आप करोगे तो 100 की संख्या उसकी गिनी जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को एक मंत्र बताया था, ओम 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 क्रिम 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 मा 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 क्रिम 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 ओम ओम ओम, है ना। तो ये तीन अक्षर का ये खेल होता है। आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा ये शांति साधना है, माँ भगवती देवी काली की शांति साधना। कहीं भी जहाँ पर उत्पात मचाओ, वो चाहे घर हो, वो चाहे व्यापार हो, वो आपका दुकान हो, वो आपका प्रतिष्ठान हो, जहाँ भी आपको लगे कि आपको शांति चाहिए, उस जगह के नाम पर आप कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठ करके 41 दिन की साधना करेंगे तो उस स्थान पर शांति आ जाएगी, ठीक है। क्या करना होता है इस साधना में? इस साधना में आपको 41 दिन तक एक तय जगह चाहिए जहां आप साधना करें। ज़रूरी नहीं है कि ये वही स्थान हो जहां पर शांति आपको चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक बरजोट, एक छोटी चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है, उस पर माँ भगवती देवी काली का सौम्य स्वरूप का एक मूर्ति की स्थापना करनी है जो पीतल हो सकता है। पंचधातु मिलना मुश्किल है, पंचधातु बोल देंगे आप खरीदने चले जाएंगे तो ठग के आ जाएंगे। इसीलिए पीतल की मूर्ति चार उंगली के बराबर होनी चाहिए। उसमें चाहे तो भैरव नीचे ना हो, अगर भैरव हो तो माँ से उनका आँख नहीं मिल रहा हो, मतलब माँ के लेफ्ट की तरफ उनका पैर हो और राइट की तरफ उनका मस्तिष्क हो, ऐसा एक काली माँ की छोटी मूर्ति लाएंगे। उसको बीच, बिल्कुल बीच में, उस पूरा जो बरजोट आपने लिया है उसके बिल्कुल मध्य में उसको स्थापित करेंगे। उसके बाद अपने वाम और माँ के दाहिने में, ठीक है, एक घी का
अगर परेशानी तांत्रिक है तो सरसों का दीपक जलाएंगे, ठीक है, और माँ के सामने गूगल का धूप दिखाएंगे, ठीक है। माला जो जाप में प्रयोग करेंगे वो रुद्राक्ष की माला होगी, ठीक है। काला हकीक भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि रुद्राक्ष की माला हो, ठीक है ना। और रात में 9 बजे से ये साधना आपको शुरू कर देनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दाहिने हाथ में जल लेंगे और उसके बाद माँ भगवती देवी काली के नमोस्तुते, मैं अपना नाम लेकर के, गोत्र लेकर के, और मैं इस स्थान के शांति कामना के हेतु अगले 41 दिन तक व्रत करूँगा और इस मंत्र का जाप करूँगा। व्रत का मतलब भोजन नहीं करना नहीं होता है, वैचारिक व्रत होता है, ठीक है। और उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ देंगे, फिर उस जल को अपने हाथ से छुएंगे और फिर मस्तिष्क पे लगाएंगे 3 बार और बोलेंगे ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। उसके बाद आप योनि मुद्रा जो मैंने सिखाया है उसको करते हुए भगवती को प्रणाम करेंगे, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते, ठीक है। फिर जो मंत्र है उसका 11 माला जाप करेंगे। क्या मंत्र है जिसका हम लोगों को जाप करना है, हम लोगों को जो जाप करना है उस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, 3 बार बोलूंगा। नमः आम आम क्रौम क्रौम फट स्वाहा कालिका हुम। नमः आम आम क्रौम क्रौम फट स्वाहा कालिका हुम। नमः आम आम क्रौम क्रौम फट स्वाहा कालिका हुम, ठीक है। अच्छा, कोशिश करना कि अमावस्या या शुक्रवार के दिन इस साधना की शुरुआत हो। इसको आप जब 11 माला जाप कर लोगे उसके बाद फिर से पुनः आप हाथ में जल लोगे, दाहिने हाथ में, फिर से अपना नाम गोत्र और किस स्थान की शांति हेतु आपने ये जाप किया है वो बोलोगे और उसको जमीन पर जल छोड़ोगे, फिर अपने दाहिने हाथ से सर पर उस जल को लगाओगे, बोलोगे ओम श्री ब्रह्म, ओम श्री ब्रह्म, ओम श्री ब्रह्म। ये पूरा जो विधान है ये 41 दिन तक आप लोगों को करना है। 41 दिन के रात्रि में आम की लकड़ी लेंगे हम, तिल लेंगे ढेर सारा, उसमें ढेर सारा मधु मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मुट्ठी भर भर के पांचों उंगली से, ठीक है, और उसमें घी मिला लेंगे तो जलने में आसानी हो जाएगी। उसमें घी मिला करके मुट्ठी से 108 बार आहुति देंगे भगवती के नाम की, ठीक है। इसमें कोई भी आप कारण या कोई भी तामसिक प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि शांति हवन है। इतना जब हो जाए, हवन पूर्ण हो जाए, तो फिर से आप हाथ में जल लेंगे, नाम बोलेंगे, किस लिए आपने ये पूरी साधना की है वो बोलेंगे और उसके बाद जल को जमीन पर गिराएंगे और एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर लेफ्ट हैंड के पाम को सामने रखेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड का जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है उसको बाहर निकालेंगे, लेफ्ट हाथ के चारों तरफ 3 बार घुमाएंगे और 2 बार उससे ताली बजाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसा हम लोग 3 बार करेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे कि मंत्र कैसे चलेगा। ये सबसे छोटा विधान है जिससे कि आप मंत्र को चलाते हैं, इस चीज को समझ लो। जब साधना आपकी पूर्ण हो गई उसके बाद हवन कर लिया, फिर एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर लेफ्ट हैंड के पाम को सामने रखेंगे और जो राइट हैंड है उसका मिडिल और इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड के चारों तरफ उसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर इस तरीके से ताली मारेंगे फट बोल के। ये 3 बार करेंगे, इससे ये मंत्र चलेगा, ठीक है। और जिस भी जगह पर आप शांति चाहते हैं उस जगह पर शांति हो जाएगी। मंत्र चलाने का तो बहुत विधान है। इसके बाद अगर आप किसी के लिए करेंगे तो हर बार आपको ये 41 दिन की साधना नहीं करनी। ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया, सिर्फ जल से संकल्प लेंगे और हाथ के चारों तरफ जो है उंगली घुमा करके फट का उच्चारण करेंगे, आपका जो भी कार्य है, अभिष्ट कार्य है, वो पूर्ण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना की शुरुआती विधान सीखने हैं वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका नंबर है 94311। इसमें साधना का जो शुरुआती आयाम है उसके बारे में हम बताते हैं, इसमें आगे चल करके एडवांस ग्रुप होता है जिसमें हवन यंत्र बनाना भी हम आपको बताएंगे।
साधक का जीवन कैसा होता है, पूजा पाठ, सारे विषय इसमें कवर होते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudmath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। और मेरे द्वारा लिखित लेख पढ़ने हैं तो www.aghortantrasya.com। मेरे अलावा और साधकों के भी आपको विचार मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। भैरव बाबा आप सभी पर कृपा करें, ऐसे मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।